सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा। दरअसल कोर्ट ने द केरल स्टोरी पर लगी बैन को हटा दिया है। आपको बताते चले कि ममता सरकार ने 8 मई को आदेश जारी किया और पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी फिल्म को दिखाने पर जो रोक लगी थी वो हटा दी। द केरल स्टोरी मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक अशुभता को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता, वरना सभी फिल्मों को लेकर ऐसी ही स्थिति पैदा होगी। कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य का कर्तव्य है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिल्म को मिले प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी कोई भी फैसले के लिए कार्यवाही से पहले वो द केरल स्टोरी देखना चाहेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने तमिलनाडु सरकार को फिल्म की स्क्रीनिंग और फिल्म दिखाने वाली सुरक्षा सुनिश्चित करने की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान फिल्म के डायरेक्टर्स ने कहा है कि वो फिल्म के अतिरिक्त डिस्क्लेमर जोड़ेंगे और इसका कोई प्रमाणिक डेटा नहीं है कि परिवर्तित लोगों का आंकड़ा 32,000 या अन्य आंकड़ा है। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।